तो भाई साहब फाइनली हमारा जो न्यू एक्स सूट आने वाला है वो और हमारा जो फेरो अल्टीमेट सेट का लेवल 7 आउटफिट होने वाला है वो नेक्स्ट मंथ 5 तारीख को आने वाले हैं। और आज के गेम प्ले में मैं वो आप लोग को उसका ट्रेलर दिखाने वाला हूँ पूरा पूरा। और भाई आज के गेम प्ले में एंशियंट सीक्रेट गार्डियन को लिटरली हम लोग फिस्ट करके मारने वाले हैं लास्ट में बिल्कुल। आज का गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाला है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि भाई आज के गेम प्ले में एक तो फिस्ट करने वाले हम लोग एंशियंट सीक्रेट गार्डियन को, और दूसरी चीज देखने वाले हैं न्यू एक्स सूट और अल्टीमेट लेवल 7 फेरो। अब इस टीम के 3 बंदे तो नॉक फिनिश कर दिए, लेकिन एक बंदा बचा हुआ था उसने स्पाइडरमैन को नॉक कर दिया। अब उसके बाद नहीं आया यहाँ पे, उसे ढूंढने लगता हूँ, लेकिन वो एक जगह पे जाके बैठ जाता और पीछे के साइड से भाई बंदे पिस्टल चला रहे थे। इस जगह पे अभी एक ही स्क्वाड आई हुई थी और ये चौथा बंदा भी इस टीम का नॉक हो जाता है। तो जैसे ही नॉक हुआ मैं समझ गया कि इनके किसी ना किसी बंदे को वो एंशियंट चार्म मिल चुका है, जिससे कि रिकॉल हो चुका है वो बंदा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर भी और रुकेंगे तो वो बंदा आ जाएगा बदला लेने के लिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे इन सब बंदों को जैसे ही मारा अंदर देखो, इस बंदे को बेचारे को गन नहीं मिली। ये दूसरी टीम का था या फिर सेम टीम का पता नहीं, लेकिन भाई साहब ये यहाँ पे बेचारा पजल सॉल्व करके ट्राई कर रहा था गन लेने का। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा भाई कि ये बंदा थोड़ा सा खिसक गया था, क्योंकि यहाँ पे बगल में लिटरली गन पड़ी हुई थी। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ता हूँ और इधर के साइड से फायर हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने देखा एक बंदे को स्पॉट किया, उसको डैमेज देने का ट्राई किया। अपने टीममेट्स को बताया कि भाई उधर साइड बंदा, इसको ये इमोट कर ले तू भाई पहले। अब यहाँ पे मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि तुम लोग पीछे साइड से लेफ्ट साइड जाओ, बग्घी लेके आओ, और राइट साइड से मैं फ्लैंक करके इस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करके मारने का ट्राई करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आया विक्की गया उधर बग्घी लेने, भाई ये बंदा पूरा रेडी होके बैठा हुआ था बग्घी पे फुल एम करके। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट करने आया था इसे, लेकिन भाई साहब विक्की ने इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और उतने में मुझे टाइम मिल गया, मैं पीछे से फ्लैंक कर देता हूँ इस बंदे पे। लेकिन इसने भाई मेरे फुट सुन लिए और तुरंत ही विक्की को मारना छोड़ के ये मेरे पीछे आ गया। फिलहाल के लिए यहाँ पे इसको नॉक किया। अब बोला कि भाई यार वहाँ टेंपल में उतर रहे थे तुम, यार वहाँ से यहाँ क्यों भाग के आ गए, ऐसे कौन करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन भाई को आज़ाद कर दिया, नॉक करके हम लोगों ने फिनिश डाल दिया। फिनिश करने के बाद यहाँ पे हम लोग गाड़ी वाड़ी लेने गए, गाड़ी वाड़ी लेके डायरेक्ट निकले पोचिंगी की तरफ। अब यहाँ पे जो फाइट होगी इस स्क्वाड के साथ आपका माइंड ब्लो होने वाला है लिटरली। मैं यहाँ गाड़ी घुमा रहा था, हिल के साइड से फायर आया, मैंने गाड़ी यहाँ पे रोकी, तभी यहाँ पे भाई घर से एक बंदे के फुट्स आए। अब ये बंदा सीधे जंप करके गया और काफी समझदार था बंदा, जंप करके सीधे अपनी टीम के साइड चला गया एम पे। अब मैंने हिल वाले बंदों को मारने का ट्राई किया, लेकिन भाई क्या ही तगड़ा स्प्रे दिया उस बंदे ने। मैं यहाँ पे 20 HP बचा, तो पहले तो यहाँ मैं अपने आप को हील करता हूँ, फिर हम लोगों ने स्मोक करके अपने गाड़ी के आसपास कवर बनाया ताकि मैं राइट साइड से फ्लैंक कर सकूं। अब यहाँ सामने वो बंदा इसी वाले ट्रक के पीछे खड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक मॉली करी। कहाँ भाई, गोली हवा में लग रही थी लिटरली, क्या ही बताऊं। अब फिलहाल के लिए उस बंदे को मैंने डैमेज किया और उसके टीममेट ने हिल वाले ने मुझे पे यहाँ पे डैमेज कर दिया। अब यहाँ पे ये टीम के एक भी बंदे नॉक नहीं थे और हमारी टीम के भी एक भी बंदे नॉक नहीं थे, लेकिन उनके पास पूरा एडवांटेज था क्योंकि वो रिज के कवर में थे, ऊपर हिल पे थे, और साथ ही साथ वहाँ पे इनके टीममेट्स आ चुके थे स्क्वाड हाउस में। अब मैं यहाँ पे राइट साइड फ्लैंक करके आता हूँ जंप करके, लेकिन भाई यहाँ पे पूरी वेस्ट मेरी डैमेज हो गई और इसका एक टीममेट भी यहाँ पे मेरे पीछे पीछे आ जाता है। ये घर के अंदर रहता है और मैं घर के बाहर। यहाँ मैंने लगाया दिमाग, ग्रेनेड कुक किया, अब उस बंदे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पास ऐसे ग्रेनेड आने वाला है। nice.
अब इस बंदे को नॉक करने के बाद यहाँ पे स्क्वाड हाउस के साइड जो बंदा था उधर मेरा फोकस गया, लेकिन तभी पीछे के साइड अभी अभी एक बंदे ने किसी को तो पीछे मारा, तो यहाँ मैं थोड़ा सा पीछे के साइड आया कवर पे, सामने ब्रोकन वॉल पे दो बंदे आके बैठे, मैंने एक ग्रेनेड किया एंड बूम एक बंदा नॉक, मैंने एक और ग्रेनेड कर दिया, भाई जस्ट पीछे फूट जाए और मैंने उसे रिफ्लेक्सेस से मार दिया। उसी टाइम पे यहां पे इसका आखिरी टीममेट भाग के जा रहा था और वहां किल फीड आप लोगों ने चेक किया, एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन ने पूरी की पूरी एक स्क्वाड को भर दिया। और इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी बंदे की, स्टार्टिंग में जब मेरी गन रीलोड पे चली गई थी, लेकिन यहाँ पे इसने भागने का पूरा ट्राई किया कि अपने बंदों को जाके रिकॉल करेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाली स्क्वाड की पेटी बन गई। अब इनकी पेटी बनने के बाद जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, और हाँ बने रहो वीडियो के, वीडियो पूरी देखना क्योंकि भाई ट्रेलर आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और अभी तो हम लोग एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन को बिल्कुल लास्ट में फिस्ट करके मारने वाले हैं, फिस्ट करके भाई एकदम से मजा आने वाला है। हम लोगों ने बहुत कुछ किया एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन के साथ, अकेले मैंने मारा उसे, उसके कंधे पे चढ़ के मारा हम लोगों ने। अब आज हाँ एक चीज और, सिर्फ फिस्ट करके नहीं मारेंगे, एक नई ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन को मारने का। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर के साइड जाते हैं और जैसे हम लोग ऊपर गए सबसे पहले तो ये सीन हुआ हमारे साथ, देखो भाई ये क्या है, ये क्या ग्लिच है भाई, इसको सुधारो बीजे मैं वालों। मतलब ऊपर गए आंखों में 5 सेकंड तक रेत थी एंड उसके बाद भाई देखा तो वहां बीचों बीच बंदों के स्पॉन हुए, हमेशा कॉर्नर में स्पॉन होते लेकिन बीचों बीच, इसको बोलते फूटी किस्मत। फिलहाल यहाँ पे हम लोग रिकॉल हुए, रिकॉल होके वापस से मैं यहाँ पे आया कि इन बंदों को मारूंगा, जोन के बाहर ही आया लेकिन यहाँ पे वो बंदे तो थे। अब देखो भाई इतनी देर तक ये सैंड उड़ती रहती है यार, इसको यार हटाओ बीजे वालों, क्या कर रहे हो ये लिटरली भाई, बहुत ही गलत चीज है यार ये तो। एक तो नीचे से आओ हाथ में गन भी नहीं रहती, ऊपर से सैंड आ जाती है। अब यहाँ पे मैं अपनी पेटी लूटता हूँ बड़े आराम से। अब उसके बाद ये बंदे तो यहाँ पे थे नहीं जिनसे बदला लेना था, 34 अभी भी अलाइव थे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऊपर के साइड आए। अब यहाँ पे देखो जलवा जो होने वाला है, हम लोग सबका हेल्थ डाउन है, लेवल 1 का हेलमेट वेस्ट है और हम लोग आ गए एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन से पंगा लेने के लिए। अब यहाँ पे मैंने ना सोचा कि भाई कुछ तो अलग किया जाए, कुछ तो ट्रिक वगैरह लगाई जाए। अब मैंने देखा बहुत सारे लोगों को भाई ये लोग ना मार नहीं पाते एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन को, तो मैंने यहाँ पे साइड में चढ़ने का ट्राई किया कि यहाँ से ऊपर से सामान मिल जाएगा मुझे, लेकिन वहाँ पे मैं चढ़ नहीं पाया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूट लेता हूँ, दोनों जगह M249 भाई, और लूट लेने के बाद अपने आप को हील करता हूँ, तब तक मेरे टीममेट्स एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन की बजा रहे थे। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर पे चढ़ने का ट्राई करता हूँ लेकिन यहाँ पे मैं चढ़ नहीं पाता हूँ, जंप करता हूँ लेकिन मैं चढ़ नहीं पाता, तो मुझे लगा शायद कोई ग्लिच होगा, वहाँ पे नहीं चढ़ के जा सकते। लेकिन तभी मुझे याद आया एक निंजा टेक्निक, अब वो निंजा टेक्निक क्या है बस देखो आप लोग, ये निकाला इसने टॉर्नेडो। मैंने अपने टीममेट्स को बोला जल्दी जल्दी यहाँ पे आके खड़े हो जाओ इसके टॉर्नेडो के सामने, और ये देखो भाई साहब इस वाली ट्रिक के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है। टॉर्नेडो का यूज करके हम लोग यहाँ ऊपर चढ़ गए, अब आप लोग भी इस टॉर्नेडो का यूज करके यहाँ ऊपर बैठ के और इन फेरो भैया को बड़े आराम से मार सकते हो, क्योंकि अब इसके कोई भी हमला आप पे जो है तो काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे बैठना है, कॉर्नर पे बिल्कुल कॉर्नर पे बैठना है और कोई भी इसका ताकत काम नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे सीन, कोई मतलब नहीं भाई, हमको बिल्कुल भी डैमेज मिल नहीं रहा। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन ऊपर नहीं आ पाया था तो एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन ने उसकी बजा दी, और उसको बचाने अगर हम लोग जाते तो हमारी भी बजा देता।
तो इसीलिए हम लोगों ने स्पाइडरमैन की यहाँ पे कुर्बानी दे दी। अब यहाँ पे दिक्कत सिर्फ एक ही चीज़ की होती है, अगर आप जोन के बाहर हो तो हीलिंग की, और अगर आपकी एमो ख़त्म हो गई तो भाई उसकी भी दिक्कत होती है। यहाँ पे भाई आउटसाइड ऑफ द प्ले जोन नॉक हो गया विक्की, विक्की को रिवाइव करते हम लोग। और ये देखो भाई, इसके पीछे आप लोग को लिटरली कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इसका रेड जो एंग्री फेरो है उसका रेड जोन भी यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे भाई फेरो बिल्कुल एक एचपी बचा हुआ था, मैंने विक्की को बोला भाई इसके साथ सब कुछ कर लिया है, रुक जा अभी, अभी मत मार, अभी मत मार, इसको मारना मत। मैंने सीधे नीचे गया भाग के और मैंने इसको फिस्ट करना शुरू कर दिया। तेरी ऐसी तैसी फेरो होगा तू अपने घर में, एंशिएंट सीक्रेट मॉन्स्टर। यहाँ पे विक्की को नॉक कर दिया इसने, अब मुझे लगा भाई भर ही देगा कि मैंने यहाँ पे भाई मुक्के से एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन को मार दिया, तो भाई एक लाइक तो बनता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लो गाइस। और भाई जो ही मुक्के से मारा मजा आ गया। अब लिटरली इसको स्टार्टिंग से मुक्के से मारना इम्पॉसिबल है क्योंकि हेल्थ बहुत ही कम जाती है, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट एकदम से सोचा कि भाई मुक्के से भी मार लेते हैं गाइस। मुक्के से अभी तक किसी ने भी नहीं मारा एंशिएंट सीक्रेट गार्डियन को, तो यहाँ पे हम लोगों ने मुक्के से मार दिया। अब जोन का डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और भाई साहब यहाँ पे हीलिंग के नाम पे हमारे पास बहुत सारी हीलिंग थी, फर्स्ट एड वगैरह। तो यहाँ पे एग्जिट करके जाने से कोई मतलब था नहीं क्योंकि हम जोन के बिल्कुल बाहर थे, बिल्कुल पानी पे थे। तो यहाँ पे विक्की तो नॉक हो गया और मैं यहाँ पे हील करता रहा, हील करता रहा। देखो अब यहाँ पे अभी आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। विक्की गया, अब यहाँ ऑल चैट पे कोई बंदा था जो कि बोल रहा था कि भाई मेरा टीम मेट ही मारेगा साइबर को, और वो अपना नाम भी बताता है। यहाँ पे फर्स्ट एड मैंने सारी की सारी ले ली थी ऑलरेडी, 8-9 फर्स्ट एड थी मेरे पास, और दो वो थे अपने पास, दो बॉटल थे वही जो एंशिएंट सीक्रेट चार्म बॉटल रहते। अब यहाँ ऑल चैट पे कोई बंदा बोल रहा था कोई मिस्टर साइबर स्क्वाड को कोई दूसरा बंदा मारेगा उसी का टीम मेट, लेकिन उनको पता ही नहीं था भाई मैं तो गेम में हूँ ही नहीं, मैं तो दुनिया के पार हूँ। यहाँ देखो कॉर्नर पे, देखो मैप के किनारे पे, और जोन इतना छोटा हो चुका है भाई साहब, अब बचना मुश्किल है, नहीं इम्पॉसिबल था। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, हो सकता है भाई साहब यहाँ पे थर्ड फोर्थ या फिर सेकंड रैंक आ जाए। यहाँ ऑल चैट पे लगे हुए हैं भाई मेरे टीममेट, और उनकी क्या लगता है आप लोगों की, क्या चिकन डिनर हो पाएगा हम लोग का या फिर नहीं, कमेंट्स में बताना। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हो। भाई यहाँ अलग ही चल रहा है भाई ऑल चैट में तो सीन। अगर मिस्टर साइबर स्क्वाड को इस मैच में मार दिया 10,000 भाई, मेरे पे 5 फर्स्ट एड अभी भी बची हुई थी। मैं लगाए जा रहा जोन देखे जा रहा भाई, जोन का डैमेज बढ़े जा रहा भाई। ये वाला सीन लिटरली बहुत ही ज्यादा गलत है, और आप लोग को ये सीन जो है तो रैंक पुश करते टाइम बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा जब आपके लॉबी में हैकर आ जाएंगे। अभी कल से न्यू सीजन हमारा शुरू होने वाला है, तो आप में से कितने लोग रैंक पुश करने वाले हो मुझे कॉमेंट्स में बताना, और कॉमेंट भी करके बताना कि क्या मैं भी रैंक पुश करूँ, आपको रैंक पुश की वीडियोस वगैरह चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट फर्स्ट एड बची हुई थी जिसको मैंने लगाया, एंड भाई साहब यहाँ पे अब लगने वाली थी मेरी वार्ड। मैंने बैंडेज मारा, बैंडेज से भाई कितनी देर तक बचता है, एक और बैंडेज मारी है, एंड इसी के साथ जय श्री राम। अब भाई यहाँ पे मैं स्पेक्टेट करता हूँ बंदों को, भाई बंदे कहाँ लड़ रहे थे भाई साहब, एकदम दूर गांव में, गांव के किनारे भाई साहब। अब यहाँ पे भाई इन बंदों को स्पेक्टेट करता हूँ, अब कोई मतलब नहीं भाई, इस मिस्टर साहब स्क्वाड तो मर गया। चलो गाइस, तो अब ट्रेलर देख लेते हैं भाई, जो हमारा न्यू एक्सूट आने वाला है और जो अल्टीमेट फेरो का लेवल 7 का आने वाला है वो। चलो भाई रेडी हो गाइस, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो। तो ये हमारा न्यू इरिडेंसेंस एक्सूट, जिसको आप लोग फीमेल फेरो भी बोल सकते हो, ये फेरो की बहन है तो उसकी गर्लफ्रेंड मत कमेंट में कोई भरना। और ये होने वाला अपना अल्टीमेट फेरो एक्सूट लेवल 7 का।
देखने में भाई ट्रेलर में बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा है। और ये होने वाले हैं चार अलग से जो मिथिक आउटफिट आते हैं, और ये 5 तारीख को या 5th of August को आने वाली स्पिन, तो इसकी लकी स्पिन हम लोग करेंगे, क्रेड ओपनिंग करेंगे। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं मुझे कमेंट्स में बताना। ये है पूरा टोटल स्पिन। तो आप लोग को अगर क्रेड ओपनिंग देखनी है तो जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो भाई साहब, और कमेंट्स में बताना कि आप लोग को अल्टीमेट एक्स सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर पुराना वाला फेरो एक्स सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर भाई साहब आप लोग को ये न्यू वाला जो एक्स सूट आ रहा है फीमेल फेरो वो अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो में। टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।